देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अर्धवायवी तनु द्वारा कायिक प्रवर्धन। अर्धवायवी का मतलब क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये मृदा की जो पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी है, इसके नीचे मान लीजिए और परत है, चार परत है, इसके बाद फिर जल है, ठीक, और इसके बाद जो जिसको हम जल स्तर बोलते हैं, वाटर लेवल, फिर इसके नीचे और दो परत है। एक चीज याद रखिएगा कि हमारा जो ये वाला परत है ना, इसी में हम जुताई बुआई करते हैं, जो पहला वाला परत है इसी में हम जुताई बुआई करते हैं, और इसका जो घनत्व तो है वो है सबसे कम, मतलब जिन परतों का घनत्व तो कम होगा उन परतों के जो कण होंगे उनके बीच आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। जिन परतों का घनत्व तो ज्यादा होगा उन परतों के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। इसलिए जैसे जैसे नीचे जाते हैं मृदा की कठोरता जो बढ़ती चली जाती है। अच्छा बताइए पृथ्वी जो है कितने लेयर से मिलकर बनी है, तो बेसिक हमारा तीन पार्ट से जो पृथ्वी बना, एक क्रस्ट है सबसे ऊपर वाला, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर है, ठीक ना। ये क्रस्ट है, पहला वाला क्या है क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। कोर वाले पार्ट से ही आपका जो ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह होता है, जो तरल पदार्थ निकलता है, पिघला हुआ लोहा वगैरह है, वो जो है सबसे नीचे वाले पार्ट में, कोर वाले पार्ट में पाया, क्योंकि उनका घनत्व तो क्या होता है सबसे ज्यादा, ठीक ना। तो एक चीज आप लोग जानते होंगे, जो चीज जितने लेट पिघलेगा उतने लेट ठंडा भी होगा, जो जितना जल्दी पिघलेगा उतना जल्दी ठंडा। जैसे मोमबत्ती आप ले लीजिए, सिंपल सी चीज है, मोमबत्ती आप गर्म करते हैं ना, जलाते हैं तो उस बगल बगल से जो है एक एक बूंद करके जो जैसे वो रिश्ता रहता है, जैसे आप देखेंगे वहां से जैसे अलग होता है तुरंत क्या हो जाता है, जम जाता है और ठंडा मिल जाता है। लेकिन आप वही जो है लोहे को पिघला दीजिए उतना जल्दी वो ठंडा, तो जिसका घनत्व तो ज्यादा वो लेट ठंडा होगा, लेट पिघलेगा, और जिसका घनत्व कम वो जल्दी पिघलेगा और जल्दी ठंडा भी होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा तो यहाँ पे जिस परत की जुताई बुआई हम लोग करते हैं ना, इसके कण जो है बराबर आगे पीछे होते रहते हैं, तो वायु जो है पहली परत में आसानी से पहुंच पाएगा कि दो तीन चार में भी जाएगा। इसका मतलब वायु का जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक ना, मतलब आवागमन होता है, संचार होता है, वो मृदा के सबसे ऊपरी परत में होता है कि अन्य परतों में भी होता है, केवल व केवल ऊपरी परत, ठीक। तो इस आधार पर जो है, अगर मान लीजिए कोई चीज यहाँ पर रहेगा तब भी बोलेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि ये जो है मृदा है, ठीक ना, ये क्या है मृदा है, कोई चीज अगर मान लीजिए ऊपर वाले पार्ट में रहेगा, मृदा के ऊपर से रहेगा, तब भी बोलेंगे वायु के संपर्क में है। अगर मान लीजिए यही चीज हल्का से नीचे से होके चला जाएगा, तब भी बोलेंगे वायु के संपर्क में बना हुआ, क्यों, क्योंकि मृदा जो है पहले परत तक पाई जाती है, समझे। और मृदा में जो है O2 की तुलना में CO2 ज्यादा होता है, O2 की तुलना में CO2 ज्यादा होता है, O2 नहीं पाया जाता उतना जितना CO2 पाया जाता है। कारण अब एक चीज बताइए, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, है ना, अब CO2 वो लेगा तो पूरे उसके शरीर में जाएगा, तो यहीं से जो जड़ से होता हुआ जो जमीन में भी CO2 मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पानी पिएंगे, ठीक ना, तो पानी पूरे शरीर में जो है पहुंचता है, और जो पसीना होता है तो आप देखेंगे कि पैर में भी होता है, जबकि पानी कहाँ गया, टंकी में गया। तो ऐसे में क्या होता है कि पानी स्टोरेज हुआ पेट में, अमाशय में, स्टमक में, लेकिन जो है इसका सप्लाई पूरे शरीर में होता है। वैसे ही पेड़ पौधा जो है, ठीक, पानी जो है जड़ से लेता है, तो उस जड़ से लेता है लेकिन पहुंचाता कहाँ तक है, पत्ती तक, ऊपर तक, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा, नहीं जा रहा। वैसे CO2 जब वो लेगा तो एक सिरे से कहाँ जाएगा, दूसरे सिरे तक जाएगा, वो भी जाएगा। तो वहीं पे जो जड़े होती हैं, जड़ बताए थे ना, द्वितीयक जड़ होती है, ठीक, तो जो हमारी द्वितीयक जड़े होती है वो क्या होता है कि उनके माध्यम से CO2 मृदा में जाकर के फैल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मृदा जो है, मृदा के संपर्क में जो जड़ ऊपर से निकलेगी वो भी वायु के संपर्क में, और जो जड़ थोड़ा सा नीचे होकर के जाएगी उससे भी वायु का संपर्क बना रहेगा, क्योंकि पहली परत में जो है वायु के रूप में CO2 विद्यमान होती है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये बोला जाए
कि अर्धवायवी तनु द्वारा कायिक प्रवर्धन, मतलब अर्धवायवी इसका मतलब जो तना होगा अर्धवायवी वाले केस में क्या होगा, मिट्टी के ऊपर ऊपर भी दौड़ेगा और मिट्टी के नीचे नीचे भी दौड़ेगा। ये मत सोचिए कभी कि अर्धवायवी का मतलब केवल मिट्टी के ऊपरी परत से होता हुआ या वायु में होता हुआ टहलता हुआ जो है रन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, नीचे नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। बल्कि वो ऊपर से भी जा सकता है और नीचे से भी, लेकिन नीचे कहां तक, जहां तक वायु उपस्थित। बस मुझे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे। कोई कोई बोलेगा अरे यार वायु जो है पूरे जमीन में पाया जाता है, अरे कैसे पाया जाता है, जहां तक किसी चीज के जाने लायक मार्ग रहेगा रास्ता रहेगा वहीं तक वो चीज पहुंचेगी ना। तब तो सर बड़े वाले वृक्ष में जो उसकी जड़ें तो बहुत नीचे तक जाती है। हाँ तो बहुत नीचे तक जाती है तो वहां तक वायु जड़ के माध्यम से जाएगा, डायरेक्टली मिट्टी में नहीं जाएगा यार। जैसे मान लीजिए हम लोग ऊपर आप लोग जुताई बुआई करके छोड़ देते हैं ना, तो कणों के बीच गैप है ना, तो वहां पे नॉर्मल वायु भी जाएगी। पेड़ पौधों के द्वारा ले जाएगा वो अलग मामला है, पेड़ पौधों के द्वारा ले जाया जाता है CO2। और एक चीज देखिएगा, मृदा में नाइट्रोजन और आर्गन की मात्रा आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, CO2, और सबसे कम, ठीक। तो नाइट्रोजन और आर्गन की मात्रा आपस में क्या होती है, N बराबर AR, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ पे ऊपर भूस्तरीय, पहला वाला क्या है ऊपर भूस्तरीय या रनर। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये जमीन की परत है, ठीक। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि दूब लगा हुआ है, ये इसका जड़ है और ये जो है ऐसे निकला हुआ है। अब यहाँ पे जो इसका तना वाला भाग है, यहीं से ठीक इस पर रेंगता हुआ एकदम सटीक होते हुए, जो मतलब जैसे होता नहीं है कि आप लोग जो है अगर देखा जाए तो कोई लड़का मान लीजिए आप देखेंगे उठ कर चल रहा है, तो वो क्या है उठ करके चल रहा है, उसका जो पेट है वो जमीन से सटा हुआ कि बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब कोई लड़का मान लीजिए केवल खिसक के चलता है, तो जब वो खिसक के चलेगा तो उसका जो पेट वाला भाग वो रगड़ के चलेगा कि जो है मतलब उठा के चलेगा, रगड़ के चलेगा, ठीक ना। तो रनर वाले कंडीशन में क्या होता है कि जैसे छोटा वाला बच्चा जो है एकदम जमीन पर जो है रगड़ कर चलता है, रनर वाले केस में जो तना होगा ना वो जमीन पर बिल्कुल लेटा हुआ मतलब जमीन को छूते हुए जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे रनर। सांप के जैसा, जैसे सांप जो चलता है तो वो जो है क्या करता है एकदम से टच करते हुए जाता है, तो रनर वाले केस में क्या होगा कि तने से कुछ निकलेगा और यहाँ जा करके जो है फिर से जो है जड़ वगैरह विकसित कर लेगा, फिर यहाँ एक नया दूब बना लेगा, ठीक है ना। फिर जो है क्या हो जाएगा यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे रेंगते हुए जाएगा, फिर यहाँ ऐसे ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होता हुआ चला जाएगा। तो ये जो है हमारा दूब घास में आपको देखने को मिलेगा। बस सुने कोई दिक्कत, ठीक। तो ये हो गया हमारा किसका, रनर या ऊपर भूस्तरीय या भू प्रसारी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। फिर दूसरा वाला आता है भूस्तरीय। भूस्तरीय वाले में क्या होगा कि यहां पे जो है मान लेते हैं ये जमीन है, ठीक है ना, ये क्या है जमीन है। अब यहां पे मान लीजिए कोई पेड़ पौधा लगा हुआ है, उसकी ये जड़ है, उसका ये पौधा है, ठीक। अब इस केस में क्या होगा कि यहां से एक जड़ निकलेगी ऐसे, ठीक, यहां से एक जड़ आएगी, यहां पर जो विकसित विकसित होगा, फिर ये जो है यहां पर ऐसे विकसित कर जाएगा, फिर ये जो है आगे चल करके जो है फिर एक बार कूदेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भूस्तरीय वाले में क्या होगा कि मतलब यहां पे देख रहे हैं ऊपर भूस्तरीय और भूस्तरीय में अंतर क्या है, ऊपर भूस्तरीय में बिल्कुल रेंगते हुए जाएगा, अब भूस्तरीय में क्या है कि जो यहाँ पे उछाल है वो क्या है थोड़ा सा अधिक है, मतलब ये जमीन पर ठीक रेंगते हुए नहीं जाएगा, ठीक ठाक ऊंचाई लेते हुए जाएगा। बस नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधा होगा वो क्या होगा, उसका जो तना है ये क्या है, तना,
तना जो है जमीन पर बिल्कुल लेटते हुए ना जा करके थोड़ा सा उठ करके जो है जाएगा और आगे वहां पर जो है अनुकूल नमी वगैरह प्राप्त करके पेड़ पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ आके ज्वाइंट हुआ, फिर ये बन गया, फिर ये यहाँ पहुंचा ना, अब यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, फिर ये आगे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि भूस्तरी और ऊपर भूस्तरी में ठीक अंतर क्या होता, ऊपर भूस्तरी में ठीक ऊपर से होता हुआ जाएगा, एकदम से टच करता हुआ, और भूस्तरी में क्या होता है कि भूमि के स्तर के जो है ऊपर होते हुए जाएगा, एकदम सटकर नहीं नहीं जाएगा। बात समझे? इसके बाद आता है अंतः भूस्तरी, ठीक। अंतः वाले में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यह जो है जमीन की परत है और यहां पर जो है कोई पौधा उगा हुआ है, ठीक। अब इस केस में क्या होगा कि ये यहां से होते हुए जो है निकलेगा, नीचे से यहां आएगा, एक पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। फिर यहां से नीचे जाएगा, अंतः माने क्या हो जाएगा, नीचे से, ठीक है, फिर जो है यहां से ऐसे ऐसे होता हुआ ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये लगातार जब भी जाएगा नीचे से होकर ही जाएगा और किसी माध्यम से नहीं। तो यहाँ पर जो तना होता है उसके द्वारा जो विकास की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। फिर जो है हमारा लास्ट आता है भूस्तरिका वाला, जिसको ऑफसेट बोलते हैं, ये स्पेशली जलीय पौधों में पाया जाता है, ठीक ना, जो तालाब में पोखरों में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं, उनमें पाया जाएगा। उस केस में क्या होगा कि ये जो जल होगा ना, मान लीजिए ये जो है जल स्तर है, तो यहाँ पे जो है ये पौधा मान लेते हैं कोई, अब इसका जो है ये जड़ वगैरह है इधर, और यहाँ से ये जो भाग है यहीं से जो है ये क्या करेगा, ऐसे निकलेगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ जाकर के जो है फिर एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है ना जल में संपन्न, ये केवल जल में संपन्न होता है, बाकी ये तीनों कहाँ संपन्न होते हैं, तो स्थल पर या भूमि पर, ठीक है ना। एक बार रिपीट करना, ऊपर भूस्तरी वाले में क्या होगा, जमीन के ठीक ऊपर से रेंगता हुआ या टच करता हुआ जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रनर, या भूप्रसारी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या होता है, भूस्तरी या स्टोलन। स्टोलन वाले में क्या होगा कि ये जो तना होगा वो जमीन के ऊपर से जाएगा, लेकिन रेंग कर नहीं जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उठ कर जाएगा तना, और आगे जाकर के अनुकूल नमी तथा वातावरण व तापमान प्राप्त करके जो है एक पौधे में कन्वर्ट हो जाता। तीसरा वाला आता है अंतः भूस्तरी या सकर, जिसको बोलते हैं, ठीक। ये क्या होगा कि ये जमीन के नीचे से होता हुआ जाएगा, जमीन के नीचे से होता, बहुत गहराई तक नहीं जाएगा, एक चीज याद रखना है, थोड़ा सा मतलब नीचे होते हुए, मतलब बहुत गहराई में नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार जो है ये जो तना होता है आगे जहां जहां पहुंचेगा वहां पर जो है क्या करेगा, अनुकूल नमी वातावरण उपजाऊ मृदा प्राप्त करके नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट होता है हमारा भूस्तरिका, ये स्पेशली जो है जलीय पौधों में पाया जाता है, जिसको हम ऑफसेट भी बोलते हैं। ये क्या होगा, जल में जो है नीचे ही नीचे जो है, जैसे इस वाले में मतलब अंतः भूस्तरी वाले में मिट्टी के नीचे से होता हुआ जा रहा था, वैसे इसमें क्या होगा, जल के अंदर से होता हुआ जो है आगे बढ़ेगा और नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। बात सुने, इसको बना लीजिए, बनाना पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बाय लीफ, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, अजूबा जिसको ब्रायोफिलम बोलते हैं, इसमें इसकी अगर पत्ती कहीं पर गिर जाए ना, ठीक, इसकी अगर पत्ती कहीं पर गिर जाए तो इस केस में क्या होगा कि वहां पर ये अनुकूल वातावरण कामा तापमान व नमी तथा उर्वरता प्राप्त करके
उर्वरता प्राप्त करके नए पौधे में कन्वर्ट हो जाए। मतलब जैसे नॉर्मली पेड़ का पत्ती नहीं गिरता है, वैसे अगर पत्ती गिरेगा वो जमीन के संपर्क में गया, जहां पे पहुंचा अब पता लगा गिरा ईंट पे गिर गया, तब थोड़ी ना होगा। जमीन पे गिरेगा, जमीन में नमी होनी चाहिए, मृदा उपजाऊ होनी चाहिए, ठीक ना। वहां पे तापमान ना तो बहुत कम होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, जितना उसको चाहिए उतना रहेगा। तो क्या होगा, उस पत्ती में धीरे धीरे जो है ना वो जमना शुरू हो जाएगा और उस पत्ती से जो है एक अजूबा नामक पौधा बन जाएगा। मतलब पत्ती में भी क्षमता होती है कि वो जो है एक पौधे में कन्वर्ट हो सकता, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। लास्ट हेडिंग डालिएगा कृत्रिम कायिक जनन। इसमें जो कुछ लिखना नहीं है केवल जान लीजिए। जैसे हम लोग क्या होते हैं, मतलब जो है डाल काट कर लगाते हैं, उसको हम किसमें काउंट करेंगे, कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जहां पे मानव का हस्तक्षेप हो, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए मनुष्य जो है वहां पर अपना डाल वाल काट के लगा दिया, दाब लगाना। दाब लगाना का मतलब क्या होता है कि वहां पर आपने बांध होद करके जो है उसको व्यवस्थित कर दिया, फिर वहां से जो है वो पौधा क्या कर गया, विकसित कर गया। इस ये सब किस में आएगा, कृत्रिम में। कृत्रिम में सीधा सीधा याद रखना मनुष्य का हस्तक्षेप रहेगा, मतलब मानव का इंटरफेयर रहेगा, मानव उसमें अपना दिमाग लगाएगा, अपना हाथ पैर चलाएगा, कुछ भी करेगा। अगर मनुष्य का नाम आया उसको सीधा किस में काउंट करेंगे, कृत्रिम में, ठीक है ना। बस सुनिए, कोई दिक्कत आज नहीं छोड़ दीजिए।